नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे आज की इस कहानी श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सुनाने जा रहा हूं मेरी कहानी गुलमोहर का भाग दो। आज स्कूल से घर आकर मैं इसी विषय में देर रात तक सोचता रहा कि यह हकीकत है या अफसाना। मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई है। आज आने वाली थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाई। कल वो लोग वापस आ रहे हैं। देर रात तक अपर्णा के बारे में सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शादी के 15 वर्षों के बाद किसी छात्रा को देखकर अपनी पुरानी क्लासमेट को याद करना, क्या अपनी हमसफर को धोखा देना है? नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं अपने बच्चों की नजर में एक आदर्श पिता हूं, पत्नी की नजर में क्या हूं ये कभी सोचा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा दाम्पत्य बहुत सुखमय है और हमारे बीच विश्वास की एक मजबूत डोर है जिसे हम दोनों बहुत ही दृढ़ता से बंधे हुए हैं। कभी एक दूसरे को धोखा देना तो दूर, उसके विषय में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद यादों पर किसी का जोर नहीं चलता। पुरानी स्मृतियां हड्डियों के उस दर्द की तरह होती है जो बादल घिरने पर अपने आप उभर आती है और आदमी को बेचैन कर देती है। किसी को याद करना, अगर किसी को धोखा देना है तब तो हर कोई धोखेबाज ही है। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो किसी न किसी को कभी न कभी याद नहीं करता होगा। स्मृतियों का कोई ना कोई कोना किसी न किसी के लिए हमेशा आरक्षित रहता है। जिस किसी का वहां कब्जा रहता है उसे हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं समय पर तैयार होकर स्कूल पहुंच गया। गुलमोहर के पेड़ के चारों ओर कंक्रीट का एक गोल चबूतरा बना है जिस पर ब्रेक के दौरान बच्चे बैठते हैं। आसमान में हल्के बादल छाए हैं और ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लगता है कुछ समय के बाद बारिश होगी। मौसम बहुत सुहावना हो गया है। कुछ लड़कियां उस चबूतरे पर बैठी हैं। उन लड़कियों में मेरी वह नई छात्रा भी है जिसका नाम है अस्मिता पांडे। मैं कुछ देर तक गुलमोहर को देखता रहा जिसमें से नई कोपलें फूट रही हैं। इसमें फूल अब पहले जैसे नहीं रह गए। गर्मियों में इस पर बहार आई थी। फूलों के खिलने का एक मौसम होता है, वो यादों की तरह नहीं होते क्योंकि यादों के फूलों का कोई मौसम नहीं होता। ये वो फूल हैं जो हर मौसम में खिलते हैं। प्रार्थना के बाद मैं अपनी कक्षा में चला गया। सभी छात्र छात्राओं से पुनः परिचय प्राप्त करने के बाद मैंने उनसे अनौपचारिक रूप से पूछा कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था ताकि बच्चे मुझसे कुछ घुल मिल जाएं, ताकि अध्ययन और अध्यापन में हमें सुविधा हो और क्लास का माहौल भी दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण रहे। सभी छात्र छात्राओं ने अपना लक्ष्य बताया। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई साइंटिस्ट, कोई सैनिक, कोई गायक, कोई फैशन डिजाइनर, कोई एक्टर, न जाने क्या क्या बनना चाह रहे थे। एक बात की मुझे हैरानी हुई कि कोई भी बच्चा शिक्षक नहीं बनना चाहता था। इसी बीच एक दुबले पतले लड़के ने, जो शायद कक्षा में सबसे ज्यादा बातूनी और शरारती भी था, उसने मुझसे पूछा, सर क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? मैंने वह हंसते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर पूछो। फिर उस छात्र ने मुझसे प्रश्न किया, सर आप क्या बनना चाहते थे? क्या आप टीचर बनना चाहते थे? इस प्रश्न के बाद क्लास में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि वास्तव में मैं क्या बनना चाहता था। मैं तो बहुत कुछ बनना चाहता था। ऐसा क्या था जो मैं नहीं बनना चाहता था? हर 2 साल में मेरे लक्ष्य बदल जाते थे। मेरे लक्ष्य हिल स्टेशन के मौसम की तरह थे, पल प्रति पर बदलने वाले।
मेरे पिताजी को कभी लगा ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा जो उनके लिए गर्व का विषय हो सकेगा। इसके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार था। मैंने कभी जिंदगी को संजीदगी से लिया ही नहीं। हाँ, ये जरूर था कि मैं अपनी क्लास का और अपने स्कूल का एक प्रतिभावान छात्र था। मैं दिशाहीन जरूर था, पर गलत रास्ते पर नहीं था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं टीचर ही बनना चाहता था। मैं अपनी स्कूल लाइफ को तुम लोगों के साथ बार बार जीना चाहता हूँ। दूसरी नौकरी में यह अवसर उपलब्ध नहीं है। बच्चों, तुम लोग अपने जीवन में जो उपलब्धियाँ हासिल करोगे, वही मेरी भी उपलब्धियाँ होंगी। मैं खुद कुछ बड़ा हासिल करने के बजाय तुम लोगों की उपलब्धियों से स्वयं में गौरवान्वित होना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं पूछा। मेरा पीरियड समाप्त हो गया था। तो यह था मेरी कहानी गुलमोहर का दूसरा भाग, और कल हम सुनेंगे भाग 3। धन्यवाद।